ये तस्वीर है भावेश पटेल की। वही भावेश पटेल जिसे अजमेर बम ब्लास्ट केस में जयपुर की स्पेशल एनआईए कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बम ब्लास्ट के दोषी भावेश ने जयपुर स्पेशल एनआईए कोर्ट के फैसले को राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां से उसे जमानत मिल गई। लेकिन अब बम ब्लास्ट के दोषी भावेश की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें भावेश बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम में भावेश के साथ बीजेपी के स्थानीय विधायक के अलावा भरूच जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद थे। लेकिन जब बम ब्लास्ट के दोषी के साथ मौजूदगी पर सवाल उठने लगे तो कांग्रेस नेताओं ने सफाई देने में देर नहीं की। जब हम छरी का दर्शन कर रहे थे एक टेरेस के अंदर और बैठ के हम सब कंबाइंड खड़े थे, तब आगे आके एक भगवा के कलर के अंदर आदमी आ गया। उसका नाम बाद में मेरे को पता चला कि ये भावेश पटेल है। तो मेरा तो ना भावेश पटेल से कोई ताल्लुक है, ना तो भावेश पटेल से मेरा कोई कोई संबंध है, या ना मैं किसी भावेश पटेल के साथ बात किया नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी पर तस्वीरें वायरल करने का आरोप लगाया है। इससे पहले जमानत मिलने के बाद जब भावेश गुजरात के भरूच पहुंचा तो उसका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। कुछ संगठनों ने उसके सम्मान में जुलूस निकाला और नारेबाजी की। कोर्ट से सजा पाए हुए शख्स के इस तरह के खैर मकदम की काफी आलोचना हो रही है। बम ब्लास्ट जैसे संगीन अपराध में सजा याफ्ता को नायकों जैसे सम्मान को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता।